मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डोंबिवली से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक लाल रंग की कार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को कार की बोनट पर काफी दूर तक लेकर गया है, जिसकी वजह से कांस्टेबल के हाथ पैर में चोट लगी। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। डोंबिवली स्टेशन के पास एसके पाटिल चौक पर एक लाल रंग की कार आई, जिसमें काले रंग का शीशा था और ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल बाला साहब होरे ने कार को रोकने का इशारा दिया, मगर जब कार नहीं रुकी तो होरे कार के सामने जाकर इसे रोकने की कोशिश करने लगे, मगर कार ड्राइवर और तेज कार चलाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान कांस्टेबल कार के बोनट के ऊपर आ गए और काफी दूर तक इन्हें कार के ऊपर बोनट पर ये लेकर चलता रहा। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार की बोनट पर कांस्टेबल है और काफी दूर तक इसे ये कार ड्राइवर लेकर जा रहा है। हालांकि कुछ दूर पर जाकर कांस्टेबल को इसने नीचे गिरा दिया और भागते समय एक ऑटो रिक्शा को भी टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि कांस्टेबल होरे के भी हाथ और पैर में चोट लगी है और कार ड्राइवर जो लाल रंग की कार चला रहा था ये मौके से फरार हो गया है। वही पुलिस निरीक्षक उमेश गिट्टे ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है। आज संध्याकाळी 6:15 च्या सुमारास पोलीस हवालदार बाळासाहेब होरे डोंबिवली वाहतूक शाखा आहे एसके पाटील चौक बिर्याणी कॉर्नर या ठिकाणी वाहतूक नियमन करत असताना एक कार चालक लाल रंगाची स्विफ्ट डिझायर गाडी आहे, स्विफ्ट गाडी आहे, तो भरधाव वेगा तो जोरदार साऊंड टेप किंवा गाणी वाजवत येत होता। त्याला आमच्या वाहतूक अंमलदारांनी तिथे हजर असलेल्या यांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता तो न थांबता त्यांना समोर घेऊन त्यांना गाडीवरती त्यांच्या समोर बोनेटवर घेऊन थोडं फरफटत काही अंतरावर स्पीडमध्ये जोरात वेगात घेऊन गेला आणि तिथं काही अंतरावर त्यांना ते त्या स्पीडच्या ह्याच्यामध्ये ते खाली पडले, त्यामुळे त्यांच्या पायाला हाताला आणि डोक्याला पण जखम झालेली आहे। तर त्या गाडीचा नंबर शोधून आम्ही त्या वाहन चालकाचा शोध घेत आहोत आणि त्या नमूद वाहन चालकाच्या विरोधात आम्ही आता रामनगर पोलीसचे नेते गुन्हा दाखल करत आहोत आणि पुढील कायदेशीर कारवाई करीत आहोत।